नमस्कार, मैं इस्लामुद्दीन खान, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा पुलिस ने एक ऐसे गिरोह को पकड़ा है जो हिरण की खाल और उसके सींग को बेचते थे। पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि कुछ लोग सींग और खाल बेचने के लिए आने वाले हैं, जिसके बाद मुंब्रा पुलिस ने वाइक जैक्सन के पास रात करीब 11:40 पर एक सफेद कार स्विफ्ट डिजायर को पुलिस ने रोक लिया। इस कार का नंबर MH12NB 2983 है। पुलिस ने जब इस कार की तलाशी ली तो पुलिस ने इस कार में जो देखा वो देखकर दंग रह गई। पुलिस ने कार से हिरण की सींग और खाल बरामद की है, साथ ही तीनों आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। इन आरोपियों के नाम है मोहम्मद तौसीफ मोहम्मद इजराइल सौदागर 27 वर्षीय, शेख तौसीफ शेख नासिर 22 वर्षीय, रिजवान अहमद राजिक अहमद 23 वर्षीय है। ये तीनों अमरावती के रहने वाले हैं। इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस का DCP डॉक्टर स्वामी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। ये जो है ये मुंब्रा के शिलफाटा का जो रोड है, मुंब्रा शिलफाटा, वहाँ पे वाई जंक्शन के इधर वो 28 तारीख को रात में इसको पकड़ा है। उसमें तीन एक्यूज है। ये सब एक्यूज जो है वो अमरावती के उधर के रहने वाले हैं और उन्होंने जो है ये डियर का जो है उसका शिकार करके उसका जो है वो स्किन एंड उसके हॉर्न्स जो है वो सब बेचने के लिए यहाँ लोग आ रहे थे और इसको पकड़ा है। उनको उसके ऊपर ऑफेंस भी रजिस्टर किया है ये, और ये ऑफेंस रजिस्टर करने के बाद जो है इनसे पूरा जो माल है वो हमने सीज कर लिया। सर, ये कितना बड़ा मामला है, क्या कीमत है और ये लोग कहाँ लेके जा रहे थे, किसको बेचने वाले थे और क्या इसके पहले भी है? उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कि कहाँ कहाँ ये बेचने वाले थे, कैसा इन्होंने किया, उसके ऊपर पहले के कुछ ऑफेंसेस है क्या अमरावती में वगैरह, वो सब हम देख रहे हैं। अप्रोक्सीमेटली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कॉन्टेक्ट करने के बाद, उनसे जो है वो बात करने के बाद उसका जो अप्रोक्सीमेटली प्राइस है वो 45-50 लाख के बीच में है और करीब है, और इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस कुछ अलग हो सकता है इसका, बट जो है वो इतना प्राइस उन्होंने इसका बताया है। कुछ लोग जो बेचने जा रहे थे उसका भी पानी तहकी कर। सर, ये इसका उपयोग क्या करते हैं, मतलब तस्करी करते हैं, जो लेते हैं उसका क्या उपयोग कर सकते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि ये मुझे मतलब जो बातें बताई है वो मेडिसिनल कुछ यूज होगा या फिर स्कीम कुछ, कोई लोग बहुत सारे लोग ऐसे रखते हैं या कोई लेता है, कोई ऑर्नामेंट में इसका कहीं यूज करते हैं, बहुत सारी बातें वो कंसर्न लोग भी ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। इसमें जो है वो ऐसा लगता है कि ये सब बातें इसमें इन्वॉल्व। सर, इतने आरोपी और क्या क्या नाम है? आरोपी जो है ये मोहम्मद तौसीक मोहम्मद इसराइल सौदागर Age 27 और अंजनगांव सुरजी अमरावती, शेख तौसीफ शेख नासिर गुलिस्ता नगर अमरावती, और रिजवान अहमद राजिक अहमद बिलाल कॉलोनी ये बडनेरा अमरावती। ऐसे तीन एक्टिव। सर, ये लोग शिकार कहाँ के, अमरावती में किए थे कि और कहीं और जंगल में करके फिर यहाँ लेके आए थे, ऐसी कोई जानकारी मिली? वही कहीं उन्होंने इसका कुछ मतलब शिकार या कुछ किया है उसी एरिया में, इसके लिए भी अभी उसका पूरा डिटेल में तभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। क्या कलम लगाया गया, कितने दिन? वो अभी तक पूरा डिटेल नहीं पता चला है, बट इसमें जो है वन्य जीव संरक्षण कायदा 1972 सेक्शन 2, 9, 39 48, 48A, 49 and 50। सर, इसकी सूचना कैसे मिली और इनका लीक यहाँ कौन था? यहाँ पे जो है वो कुछ इन्फॉर्मेंट और कुछ हम जो नाकाबंदी टाइप लगाते हैं उसमें सस्पेक्टेड कुछ वाहन था और वो नंबर भी हमको मिला था, तो वो उसके अनुसार उसको जो टीम ने अपने मुंब्रा टीम ने पकड़ा है, सीनियर PI उनके PSI गायकवाड़ अपने PI शिरसागर, तो सब टीम ने उन्होंने पकड़ा है। पकड़ने के बाद ये सब पता चला। तो आपने सुना कि DCP स्वामी ने क्या कहा है। इन तीनों के पास से 10 हिरण की सींग, एक 12 सिंगा की सींग और एक हिरण की खाल बरामद हुई है जिसकी कीमत 47 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने तीनों आरोपियों पर वन जीवन संरक्षण कायदा सन 1972 कलम 2, 9, 39, 48, 48A 49, 51 के तहत गुनाह दाखिल किया है। वहीं इस मामले की आगे की जांच मुंब्रा पुलिस उप निरीक्षक गिरीश गायकवाड़ कर रहे हैं। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम।